Hi everyone, welcome back to my channel. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स साथ ही में फॉरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलें हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ स्पीच के बारे में डॉक्टर हर सिंह विश्वविद्यालय में एम एड एम सी एम एस डब्ल्यू एम पी एम टेक और एम लिब कोर्स के बारे में इसके अलावा जो भी कोर्सेज हैं चाहे वो एम एस सी हो चाहे वो एम ए के कोर्सेज हो या फिर एम एस डब्ल्यू या फिर जो है इसके अलावा और कौन कौन से थे एम बी ए है और बहुत सारे एल एल बी एल एल एम मास्टर्स इन जर्नलिज्म बैचलर्स इन जर्नलिज्म बी ये सभी कोर्सेस के बारे में मैंने ऑलरेडी इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो बता दिया है तो आप मेरे चैनल पर चेक कर लेना इसके पहले सारे वीडियोस अपलोडेड हैं अब एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं ठीक है जो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो डिस्कस करेंगे वो हम 2022 के मार्क्स से कंपेयर करेंगे क्योंकि 2022 के पहले यूनिवर्सिटी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराते थी तो इसलिए उसके कंपैरिजन करने का कोई सेंस नहीं है तो हम यहाँ पर 2022 से ही कंपैरिजन करेंगे तो आप लोग जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर देख सकते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना यहाँ पर आपको डॉक्टर हरि सिंह विश्वविद्यालय से रिलेटेड सारे अपडेट्स मिलते हैं और एक बात ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग है और इसके बाद में सेकेंड काउंसलिंग थर्ड काउंसलिंग भी होती है स्पेशल काउंसलिंग भी होती है तो ये कट ऑफ सिर्फ फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए है सेकेंड और थर्ड में कट ऑफ जो है वो डिक्रीज हो जाता है तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले कोर्स के बारे में हम बात करते हैं जो कि है एम बी एम बी ए में 2022 में कट ऑफ रहा था यू का 256, फिफ्टी सिक्स ई डब्ल्यू एस टू थर्टी सेवन ओ बी सी टू वन एट एस सी वन एट्टी एस टी वन एटी सिक्स पी डब्ल्यू डी वन वन थ्री और डिफेंस वन फिफ्टी थ्री तो इस बार जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एम बी ए का दो हज़ार तेईस का कट ऑफ वो रहेगा यू आर का टू सिक्सटी सिक्स ई डब्ल्यू एस टू फोर्टी सेवन ओ बी सी टू ट्वेंटी एट एस सी वन एट एस टी वन सिक्स डिफेंस वन सिक्सटी थ्री और पी डब्ल्यू डी का वन ट्वेंटी थ्री तो अगर आपके मार्क्स दो हज़ार बाईस और दो हज़ार तेईस के मार्क्स के अकॉर्डिंग हैं तो का एडमिशन हो सकता है ठीक है चलो नेक्स्ट कोर्स की हम बात करेंगे एमबीए के बाद आता है एमपीए एमपीए में यहाँ पर यू आर का था 2022 में 209 जीरो नाइन ई डब्ल्यू एस वन सिक्सटी नाइन ओ बी में कोई कैंडिडेट नहीं था तो ये सीट जो है खाली गई थी कोई नहीं आया था डब्ल्यूडी 205 और डिफेंस में भी किसी ने अप्लाई नहीं करा था तो so, इस बार जो कट ऑफ होगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ वो आपका ये हो सकता है इसमें प्लस टेन कर देना ठीक है सभी मैं आपको प्लस टेन कर देना है तो इसका हो सकता है 219 मैं बता देती हूँ, यहाँ पर हो सकता है प्लस टेन कर दोगे तो 219 और ईडब्ल्यूएस का हो सकता है 179 फिर ओबीसी का यहां पे होगा 127 और आपका एससी SC में होगा 87 और अगेन ST का नहीं दिया है डिफेंस का नहीं दिया है PWD का इतना ही अप्रोक्स जो है कट ऑफ आएगा तो MPA में जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकता है इज दैट क्लियर फर्स्ट मिनटलेस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट कोर्स आता है विच इज एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी एमटेक अप्लाइड जियोलॉजी में 2022 में UR का था 234 243 EWS 230,

एम uh, टेक में बहुत कंपटीशन है बहुत अच्छा कोर्स है बहुत कंपटीशन है तो कट ऑफ हाई जाता है इस चीज़ का ध्यान रखना कट ऑफ हमेशा एम टेक का हाई जाता है फर्स्ट काउंसलिंग में ही सारे सीट भर जाते हैं ये चीज़ आप ध्यान रखना एम टेक वालों के लिए बता रही हूँ एम टेक अप्लाइड जियोलॉजी चलो नेक्स्ट कोर्स की हम बात करते हैं विच इज एम लिब ठीक है एम लिब में यहाँ पर यू का टू था ई uh, 201, एस टू जीरो वन ओ बी सी वन एटी सेवन एस सी वन सिक्सटी एट एस टी वन थर्टी पी डब्ल्यू डी का नहीं था निल का यहाँ पर भी डिफेंस का भी नहीं था तो अगर हम इस बार की बात करें दो हज़ार तेईस की तो यू आर का होगा दो सौ सत्रह ई डब्ल्यू एस दो सौ ग्यारह ओ बी सी वन सेवन एस सी वन सेवेंटी एट एस वन सेवेंटी डिफेंस का नहीं दिया है और पीडब्ल्यूडी का भी नहीं दिया है तो एम लिप वालों का ये कट ऑफ हो सकता है बी लिप में जिसने अप्लाई करा था उनके लिए मैंने भी ऑलरेडी जो है लास्ट uh, वीडियो में उनका कट ऑफ बता दिया तो बी लिप वाले मेरा लास्ट वीडियो देख लेना इज दैट क्लियर ये फर्स्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ है इसके बाद में जो अगला कोर्स आता है वो है एम सी ए ठीक है एम सी ए में यहाँ पे 2022 में यू का था 195 EWS फाइव OBC 174 एस वन एटी ओ बी सी वन सेवेंटी फोर एस सी और डिफेंस 164 इस साल जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो यू का 205 EWS 190 OBC 184 SC 141 ST 114 Defence 174 PWD 93 डिफेंस कट ऑफ हो सकता है 2023 में ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग कट ऑफ रहेगा इज दैट क्लियर अगला कोर्स है नेक्स्ट एम कॉम ठीक है एम कॉम की जब हम बात करेंगे तो यू आर का 168 था 2022 हजार बाईस में ईडब्ल्यू एस वन फोर्टी थ्री ओबीसी वन थर्टी सेवन एस सी एटी टू टी वन ट्वेंटी पीडब्ल्यू डी नाइनटी और डिफेंस फिफ्टी ठीक है तो हम इस बार जो एक्सपेक्ट करते हैं 2023 में वो डेफिनेटली कट ऑफ इंक्रीज होगा कम कमी नहीं होता है यू आर वन सेवेंटी एट ई डब्ल्यू एस वन फिफ्टी थ्री एस टी वन थर्टी डिफेंस सिक्सटी और पी डी का हंड्रेड तक जा सकता है एम कॉम का देखो सीट्स कम रहते हैं पी जी के कोर्सेज में तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही सीट्स भरने के ऑलमोस्ट चांसेस रहते हैं हाँ बहुत रेयर केस में होता है बहुत ही रेयर केस में होता है कि सीट्स खाली रह जाए अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन कैंसिल करा देता है या फीस नहीं भरता है या कोई भी रीजन के कारण ठीक है अब आ जाओ एम एड एम एड में 2022 में यूआर का कट ऑफ था 208 जीरो एट एस वन सेवेंटी एट ओबीसी वन एट्टी फाइव एस सी वन फिफ़्टी फोर एस और डिफेंस का नहीं दिया है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये हो सकता है इस साल का एम एड वाले बच्चों के लिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख लेना यू आर का टू वन एट ई डब्ल्यू एस वन एटी एट ओ बी सी वन फाइव एस सी वन सिक्सटी फोर एस टी सेवेंटी फाइव ठीक है ये कट ऑफ हो सकता है एम एड वालों के लिए नेक्स्ट आता है लास्ट कोर्स जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे वो है एम एस डब्ल्यू एम एस डब्ल्यू में दो हजार बाईस में था वन नाइनटी फाइव यू आर का ईडब्ल्यू एस वन एटी फोर ओ बी सी वन एटी वन एस सी वन सिक्सटी टू एस सिक्सटी वन सिक्सटी थ्री और 2023 में अगेन इससे ज्यादा ही आएगा तो यू का हो सकता है 205 सौ आए ई डब्ल्यू एस वन नाइन्टी फोर एस सी वन सेवेंटी टू एस ठीक है तो इन दोनों के बीच में अगर आपका कट ऑफ है तो आपके चांसेस काफ़ी हैं मार्क्स एडमिशन मिलने की और ज़्यादा है तो तो हो ही जाएगा इज दैट क्लियर तो ये था अपडेट मैंने जो भी पीजी के जितने भी कोर्सेज थे सभी के बारे में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया है तो उन सभी वीडियोस को आप शेयर जरूर करना कमेंट में अपने डाउट पूछ लेना टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना सारे अपडेट्स आपको वहीं पर मिल जाते हैं तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर बाय बाय